हेलो, दिस इज शालिनी। आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इस वीडियो में हम केस स्टडी डिजाइन के बारे में समझेंगे। केस स्टडी डिजाइन का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने पार्ट वन कवर किया है, जिसमें कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं केस स्टडी से रिलेटेड। ये उसका सेकंड पार्ट है। फ्रेंड्स, आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक वेबसाइट है metaeducation.co.in, हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम पेज है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आपको क्विजेस वगैरह चाहिए तो आप हमारे metaeducation.co.in वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। फ्रीली एक्सेस आपको हो जाएंगे सारे क्विजेस। इन सभी का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारा लाइव सेशन है, मींस इसमें हम आपके साथ में चैटिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें तुरंत कमेंट करके चैट में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई भी वहीं कर देंगे। अदरवाइज आप बाद में भी कमेंट करके हम अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ केस स्टडी, डेफिनेशन ऑफ केस स्टडी एंड पर्पस ऑफ केस स्टडी और साथ में प्रोसीजर ऑफ केस स्टडी यानी कि स्टेप्स ऑफ केस स्टडी को कवर किया था। इस वीडियो में हम मेथड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ केस स्टडी को कवर करेंगे। केस स्टडी में डिफरेंट डिफरेंट मेथड को हम यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड या निरीक्षण विधि। इसमें जो भी कम्युनिटी या जो इंडिविजुअल है उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उसके आधार पर आप आगे अपना वर्क करते हैं। सेकेंड, इंटरव्यू मेथड। ऑब्जर्वेशन में आप केवल देख रहे हैं, बट इंटरव्यू में आप उनसे इंटरेक्ट होके उनसे नॉलेज ले रहे हैं, उनके जो भी रिचुअल्स हैं या किसी कम्युनिटी के या किसी पर्सन के जो भी बिलीव्स हैं या आपके जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसके रिगार्डिंग बातें उनसे पूछ के पता कर रहे हैं। थर्ड है इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू मेथड एंड इंटरव्यू शेड्यूल में इतना अंतर है कि मेथड में तो हम एक बार इंटरव्यू लेके हमने छोड़ दिया, इंटरव्यू शेड्यूल में लगातार इंटरव्यूज होते रहते हैं कुछ 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 दिनों बाद, जिससे कि उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। नेक्स्ट है क्वेश्चनेयर मेथड। क्वेश्चनेयर मेथड में आप उनसे क्वेश्चनेयर फिल करवाएंगे, जो कि आपका रिटन फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में कैसे भी हो सकता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिससे कि इनडायरेक्टली आप उनके जो हिडन फियर्स हैं या फिर जो भी हिडन एट्रीब्यूट्स हैं उनको पता कर पाएं, तो ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है केस स्टडी डेटा शीट। जो भी व्यक्तिगत अध्ययन तथ्य पत्र, इसको हिंदी में प्रपत्र बोला जाता है, उनका पूरा प्रोसीजर रहता है कि केस स्टडी में उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन, वो कौन है, क्या है, उनका पूरा डेटा आ जाता है उसमें। एज ए क्वेश्चन ईयर में तो आप किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के बारे में क्वेश्चन ईयर लेते हैं, केस स्टडी में उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं, अपनी पूरी जानकारी भी देंगे, और भी कुछ क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हैं तो वो लिखे जा सकते हैं। तो ये होता है एक मेथड जो केस स्टडी में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल स्टडी। इसमें हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन पर या किसी इंडिविजुअल ग्रुप पर या किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पर या किसी इंडिविजुअल कम्युनिटी पर। सेकेंड, इंटेंसिव स्टडी रिक्वायर। अब किसी भी जगह पर हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें इंटेंसिव मतलब डेप्थ, इन डेप्थ स्टडी हमें करनी पड़ेगी अच्छे से, तब जाके हमारे को डेटा प्रॉपर मिल पाएगा या रिजल्ट्स तक पहुंच पाएंगे। इट व्यूज एनी सोशल यूनिट एज अ होल। ये तो पहले भी जैसे डेफिनेशन में बताया कि एक सोशल यूनिट को ही ये पर्याप्त मानते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। अगर एक पर्सन इनका सोशल यूनिट है तो उसी से डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके रिगार्डिंग सारा का सारा। सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें जो डेटा कलेक्शन है वो सिस्टमैटिकली किया जाता है। क्वालिटेटिव स्टडी होती है, मोस्टली क्वालिटेटिव रहती है, क्वांटिटेटिव पे कम फोकस किया जाता है, पर यहाँ पर जो मेन फोकस रहता है वो होता है क्वालिटेटिव डेटा पर। होल एक्सप्लेनेशन अबाउट द केसेस इंक्लूडिंग इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट इज गिवन। जो भी केसेस हैं जो एज अ होल जिनको लिया है हमने, यूनिट्स जो लिए हैं, उनके पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में पूरा डेटा लिया जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है। इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल स्टडी। मल्टी डायमेंशनल स्टडी है ये क्यों? क्योंकि इसमें जैसे एक पर्सन के बारे में हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, अभी एक एग्जाम्पल बताया था हमने इससे पहले वीडियो में कि एजुकेशन से रिलेटेड किसी पर्सन के बारे में, किसी बच्चे के बारे में कुछ स्टडी की जा रही है, तो उसका साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ये सारे के सारे एस्पेक्ट को देखा जाएगा, उसकी हिस्ट्री देखी जाएगी, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखा जाएगा, पेरेंट्स का बिहेवियर रिगार्डिंग हम देखा जाएगा, उसके फ्रेंड्स का क्या उससे तालमेल रहता है, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो तब जाके हम उसके जो भी एजुकेशन के एस्पेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसको डीपली
समझ पाएंगे और एक्सप्लेन कर पाएंगे सही तरीके से, इसलिए मल्टी डायमेंशनल कही जाती है। सेकेंड, इट मे बी अ लॉन्ग टर्म स्टडी, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी हो सकती है ये। लॉन्गिट्यूडनल इसलिए क्योंकि इसमें हम कुछ टाइम बाद फिर से डेटा कलेक्ट करते हैं। अब ये हमने 1 महीना पहले कर लिया, फिर 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, ऐसे करके ये लॉन्ग टर्म स्टडी भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म भी होती है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 2-3 दिन में ख़त्म हो जाए कोई भी केस स्टडी, पर ये और उससे ज़्यादा भी लंबी हो सकती है, मतलब महीनों चल सकती है, सालों चल सकती है, बट बहुत शॉर्ट टर्म नहीं होती कि एक दिन में आपने डेटा कलेक्ट किया खत्म, कहानी ऐसा नहीं होता। कॉजल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्लेन, इससे कार्य कारण संबंध और जो भी क्रियात्मक संबंध है, जो फिनोमेना या जो यूनिट को हम सेलेक्ट किए हैं उनके बारे में किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। एडवांटेजेस ऑफ केस स्टडी क्या है? इट हेल्प टू जनरेट न्यू आइडियाज विच कैन बी टेस्टेड बाय अदर मेथड्स, ये हमें हेल्प करती है नए आइडिया जनरेट करने के लिए जो कि किसी और मेथड के थ्रू भी टेस्ट किए जा सकते हैं। दीज आर यूज एज मीन्स ऑफ इलस्ट्रेटिंग थ्योरीज और रिफॉर्म्स, ये थ्योरीज को इलस्ट्रेट करने के लिए यूज की जाती है। दीज आर ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन लाइफ आर रिलेटेड टू ईच अदर, केस स्टडीज इसलिए भी यूज की जाती हैं कि कैसे किसी एक पर्सन की लाइफ और उसके डिफरेंट आस्पेक्ट्स आपस में रिलेटेड हैं, इस चीज़ को डिस्क्राइब किया जा सके। सिंस केस स्टडीज आर इन डेप्थ, जैसा कि हमें पता है केस स्टडी इन डेप्थ स्टडीज हैं, मल्टी साइडेड स्टडीज हैं, अभी जैसे बताया मल्टी डिसिप्लिनरी या मल्टी साइडेड रहती हैं ये, वही मल्टी डायमेंशनल रहती हैं। दे हेल्प रिसर्चर्स कैप्चर यूनिक फीचर्स दैट मे अदरवाइज बी लॉस्ट इन लार्ज स्केल डेटा, इसलिए इसके थ्रू यूनिक फीचर्स या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हमने यूनिट लिए उसके बारे में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और यूनिक फीचर्स को बाहर लाया जा सकता है, जो कि एक लार्ज स्केल पर जब हम स्टडी कर रहे हैं उस समय करना इम्पॉसिबल होता है। विथ केस स्टडीज रिसर्चर कैन असर्टेन अनएथिकल आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन थिंकिंग एंड बिहेवियर दैट वुड बी अनएथिकल और इम्प्रैक्टिकल टू स्टडी इन अदर वेज, और ऐसे कुछ हिडन चीज़ें या अनएथिकल आस्पेक्ट्स किसी भी ह्यूमन थिंकिंग या ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, मतलब लोगों के बारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऐसी अनएथिकल चीज़ें जो अगर हम लार्ज स्केल डेटा के थ्रू डेटा कलेक्ट किए होते तो हमें नहीं मिल पाती, वो सारी चीज़ें भी केस स्टडी के थ्रू मिल जाती हैं। केस स्टडीज प्रोवाइड इंसाइट फॉर फर्दर रिसर्च, ये दूसरी और नई रिसर्च के लिए भी एक आधारशिला का काम करती हैं, क्योंकि जब हमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है किसी भी फिनोमिना या किसी भी पीपल के बारे में, तो उसके आधार पर हम और भी नई रिसर्च कर सकते हैं। इट प्रोवाइड डिटेल्ड एंड रिच क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, इससे हमें डिटेल्ड और बहुत ही अच्छी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है केस स्टडी के थ्रू। इट ब्रिंग्स अस टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इशू, किसी भी जटिल इशू के बारे में अगर हमें समझना है तो हम केस स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी है तो वहाँ पे अगर आपने कुछ डिफरेंट केसेस को आइडेंटिफाई किया, आपका सैंपल था 50-60 का, उसमें से अगर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट का सैंपल था, आपने 2-3 ऐसे केसेस आइडेंटिफाई किए जो थोड़े प्रॉब्लमेटिक थे, तो वहाँ पर भी आप केस स्टडी कर सकते हैं। उनके जो भी इश्यूज आए जिस वजह से आपके डेटा में वो फ्लक्चुएशन पैदा कर रहे थे उनको पता करने के लिए। अप्लाइज अ वेराइटी ऑफ मैथोलॉजीज एंड रिलाइज ऑन अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज टू इन्वेस्टिगेट अ रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें हम बहुत डिफरेंट मैथोलॉजीज को यूज करते हैं और उसके अलावा अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं, मैथोलॉजीज भी डिफरेंट होती हैं, तो हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ज़्यादा वैलिड नॉलेज हमें मिल पाती है। एक्सटेंड एक्सपीरियंसेस और एड्स स्ट्रेंथ टू व्हाट इज ऑलरेडी नोन थ्रू प्रीवियस रिसर्चेस, जैसे कि अभी हमने एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल दिया कि उसमें हमें कुछ जो डेटा कलेक्ट किया हमने उसमें अगर हमारे को कुछ एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड या प्रॉब्लमेटिक केस लग रहा था तो हमने उस पर इनडेप्थ रिसर्च की, तो इससे उस पर केस स्टडी करने से हमारा क्या होगा कि जो हमें पहले से इन्फॉर्मेशन पता थी, जैसे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमें पहले से इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि हाँ इस मेथड को यूज़ करने से बच्चों में ये वाले एटीट्यूड में डिफरेंस आएगा, तो उसमें जब हम केस स्टडी करें तब हमें पता चला कि हाँ अगर ऐसा चाइल्ड होगा हमारे ग्रुप में तो उस पर क्या अलग से डिफरेंस पड़ेगा या ऐसे चाइल्ड को कैसे हैंडल किया जाए, तो ये जो भी ऑलरेडी नोन इन्फॉर्मेशन है उसमें और इन्फॉर्मेशन को ऐड करती है।
प्रोवाइड्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक एंड रेयर केसेस। इसके थ्रू जो भी रेयर केसेस हैं, जैसा कि अभी हम जो एग्जांपल लेके चले हैं उसमें हम रेयर केसेस की ही बात कर रहे हैं, उनके बारे में या कुछ स्पेसिफिक केसेस के बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। इट इज़ क्वाइट यूजफुल रिसर्च मेथड टू सी द होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक बहुत अच्छा रिसर्च मेथड है किसी भी टॉपिक के बारे में होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। रिजल्ट्स आर इजीली कॉम्प्रिहेंड एंड ग्रास्प्ड बाय अ वाइड ऑडियंस। और क्योंकि रिजल्ट इसमें इजी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, कोई ऐसा खास स्टैटिस्टिक्स यूज करके नहीं रिजल्ट्स बनाए जाते जिनका इंटरप्रिटेशन करना पड़े, तो इसलिए जो रिजल्ट है वो इजीली अंडरस्टैंड होते हैं किसी भी एक जनरल ऑडियंस के लिए भी। तो जब जनरल ऑडियंस समझ पाएगी तो फिर जो रिसर्चर्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी उसको ईजिली समझ पाते हैं। लिमिटेशंस अगर देखें केस स्टडी की, रिजल्ट्स कैन नॉट बी जनरलाइज टू द वाइडर पॉपुलेशन। जो इसके रिजल्ट्स हैं क्योंकि सैम्पल साइज छोटा होता है, एक दो लोगों पर स्टडी की है, तो इसलिए बड़ी पॉपुलेशन पर रिजल्ट्स को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिसर्चर्स बायस्ड एंड सब्जेक्टिव बिहेवियर एंड फीलिंग्स। क्योंकि यहाँ पर हम क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं, इसलिए ये जो डेटा है वो रिसर्चर के खुद की फीलिंग्स, उनके बायसनेस के कारण बायसनेस इस डेटा में आ सकती है और रिजल्ट्स में बायसनेस आ सकती है। डिफ़िकल्ट टू रेप्लिकेट एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग। डिफ़िकल्ट टू रेप्लिकेट इसलिए है क्योंकि जब आप दोबारा से इस स्टडी को किसी सेम ग्रुप पर या सेम इंडिविजुअल पर करेंगे तब टाइम लैग हो जाएगा, तो डेटा वैसे ही चेंज मिलेगा। दूसरा, ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें आपको इनडेप्थ स्टडी करनी पड़ती है, इसलिए टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लगता है। नॉट श्योर अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स एल्सवेयर। अब जो भी रिजल्ट्स आपके आए, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आए किसी ऑर्गेनाइजेशन पर स्टडी करने के बाद में, बहुत एप्लीकेबल चीज़ें सामने आई कि अगर ऐसा किया जाएगा तो इसका इफेक्ट ये होगा, ऐसा किया जाएगा तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, पर इसकी फाइंडिंग्स को आप कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो सिचुएशंस यहाँ थी वही सिचुएशंस दूसरी जगह मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रेयर केसेस में ही इन चीज़ों को अप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए एप्लीकेबिलिटी लेस होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से वेदर द केस स्टडी इज़ रिप्रेजेंटेटिव। और ये कहना भी मुश्किल है क्योंकि जो स्टडी है वो रिप्रेजेंटेटिव है, वही जनरलाइजेशन वाला केस आ गया। कि रिप्रेजेंटेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि जो सैंपल था हमारा उसका सिलेक्शन ही हमने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में नहीं किया, उसी को हमने रैंडम सेलेक्ट नहीं किया, तो इसलिए और एक छोटा सैंपल है तो जो कि रिप्रेजेंटेटिव वैसे ही नहीं हो सकता, इसलिए उसके रिजल्ट्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे। डज नॉट फैसिलिटेट असेसमेंट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके थ्रू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को नहीं पता किया जा सकता। मे मिस वाइटल इंफॉर्मेशन दस मेकिंग द केस हार्ड टू इंटरप्रिटेट। इसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो रिसर्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को किसी तरीके से लेना भूल जाए, तो इसलिए ये हार्ड टू इंटरप्रिटेट भी हो सकती हैं, कभी कभी कुछ गड़बड़ी इसमें आ सकती है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। वैसे तो सारे रिसर्चेस में हम प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर को ही फॉलो करते हैं हर जगह, इसमें भी फॉलो किया जा सकता है, बट उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो उतना स्टैंडर्ड नहीं होता, उसका जो प्रोसीजर है वो उतना स्टैंडर्ड नहीं होता जितना साइंटिफिक रिसर्चेस में होता है। कलेक्शन ऑफ अननेसेसरी डेटा इज मेजर इशू। क्योंकि हम इसमें डेटा को बार बार कलेक्ट कर रहे हैं, इनडेप्थ स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत सारा डेटा हमारे पास ऐसा भी आ जाता है जिसका हमें कुछ लेना देना नहीं होता, जो कि एक मेजर इशू है केस स्टडी का। लैक ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, जैसा कि बताया कि या तो क्वांटिटेटिव डेटा लिया ही नहीं जाता, और अगर लिया भी जाता है तो बहुत कम मात्रा में लिया जाता है, इसलिए ये भी एक इसका मेजर इशू है। कॉम्प्लेक्स इन नेचर, वही इनडेप्थ स्टडी की जा रही है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेस इकोनॉमिक है, इसलिए हर तरीके से जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहीं ना कहीं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ा देते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है नेचर में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप हमसे फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट हैं आप आराम से कमेंट करके पूछिए, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का पूरा ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।